होप यू आर डूंग्रेंड्स आज मैंने एक पार्टी लुक क्रिएट किया है फ्रेंड्स ये आई शेडो पैलेट से मैंने एक आई मेकअप लुक क्रिएट किया है ये है स्विस स्विस्वीटी का अल्टीमेट आई शेडो पैलेट फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा एज यू कैन सी कि मैंने इसी से अपना आई मेकअप किया है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आप चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं सबसे पहले मैं पूरे फेस में लिफिया का मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, उसे अच्छी तरीके से अपने फ़ेस में ब्लेंड कर लूँगी उसके बाद मैं पैक का फाउंडेशन ले रही हूँ टू मेरा सेट का नंबर है और मैं इसे पूरे फेस में एक क्लीन ब्रश फैला के उसे ब्लेंड करूँगी मुझे प्राइमर लगाना था पर मुझे प्राइमर नहीं मिला तो मैं फ़ाउंडेशन ही बिना प्राइमर के लगा के अपने फेस में पूरे अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी अभी उसके बाद मैं ये शुगर का कंसीलर ले रही हूँ मेरा शेड है कैपोचिनो मैं उसे अपने आइज़ के पास और नोज़ पे प्रिजर्व द नोज़ जहाँ जहाँ हाईलाइट करना है वहाँ वहाँ मैं उसे लगा लूँगी और मैं एक ब्रश उसे अच्छी तरीके से फैला दूँगी अच्छी तरीके से उसे मैं ब्लेंड करूँगी आइस के पास आइस के कॉर्नर नोज़ पे पूरी तरीके से अच्छे से उसके बाद मैंने एक आईब्रो पेंसिल लिया है जो कि स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल है ये काफ़ी अच्छा पेंसिल है और रिज़नेबल प्राइस में भी आता है मैं दोनों ब्राउज को फिल कर लूँगी अच्छे से अब मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने फाउंडेशन और आ, और कंसीलर को सेट कर लूँगी मैंने लैकमे कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है नाइन टू फाइव अब मैं जो स्विस बेटी का पैलेट है मैं उसमें से ये ब्राउन कलर का शेड लूंगी ये लाइट ब्राउन कलर का सेड है और इसे मैं अपने आइज़ के क्रीज़ पे इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ एक ब्लेंडिंग ब्रश से फैलाऊँगी अंदर की तरफ ब्लेंड करूंगी अच्छे से उसके बाद मैं एक दूसरा ब्रश लेके कलर बार का मैंने ब्रश लिया है और उसे उसी पैलेट में से मैं गोल्डन कलर का आई लेके अपने क्रीज पे सॉरी अपने लीड पे उसे प्लेस करूँगी और नीचे में मैं सेम आई शेडो जो कि मैंने आईज के ऊपर लिया था सेम आई शेडो को मैं नीचे भी प्लेस करूँगी और अपने वाटर लाइन के पास मैं काजल लगाऊँगी मैंने शुगर का काजल लिया है अब मैं अपने आइस के ऊपर आई लाइनर लगाऊँगी मैंने लैकमे का आई लाइनर लिया है अब मैं अपने आई लैशेज में मशकरा लगाऊँगी मैंने शुगर का मशकरा लिया है फ्रेंड्स इसमें जो भी मैं प्रोडक्ट का कर यूज़ करूँगी ना मैं आपको सारे इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अब मैंने आम, कंटूर अब मैंने कंटूर द फोर्स पैलेट में से ये जो उसका कंटूर है वो मैंने लिया है और अपने चिक से नीचे उसे मैं कंटूरिंग कर रही हूँ मैं नोज़ को भी कंटूरिंग करूँगी एक पतले ब्रश से और मैं उसे ब्लेंड करूँगी कंटूर करने के बाद मैं अपने फोरहेड जो जॉ लाइन सबको मैं कंटूर करूँगी अब उसी आ, अब मैं ये ब्लश पैलेट ले रही हूँ सैलमन सुपर स्टार ये बहुत ही पीची काइंड ऑफ ब्लश है काफ़ी अच्छा है नेचुरल लुक देता है अब मैं उसी पैलेट में से हाइलाइटर शेड लूँगी हाइलाइटर लूँगी जो कि मैं अपने आईब्रोज़ के नीचे अपने चिक्स बोन के पास और अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ अपने लिप्स के पास अपने आइज़ के कॉर्नर में लगाऊँगी अब मैं लास्ट में ये लिपस्टिक ले रही हूँ ये भी शुगर का लिपस्टिक है इसका शेड है मफ़ी ब्राउन ये काफ़ी अच्छा लिपस्टिक है इसे मैं पहले आउटर कॉर्नर को फ़िल करूँगी फिर मैं इनर इनसाइड अपने लिप्स के पूरे फिल करूँगी तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा मेकअप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा हो या अच्छा लगा हो और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो so, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में चल रहे